बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस में जो क्वेरी का फंक्शन है उसको डिटेल में देखेंगे। इस वीडियो के अलावा मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस पर और भी ट्यूटोरियल बनाए हैं, जिनमें से जो पहला है आप वीडियोस में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो एक्सेस डेटाबेस की प्लेलिस्ट है। तो एक ही वीडियो में तकरीबन 15 मिनट की है, जिसमें जो बेसिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस के फंक्शंस हैं, जैसे टेबल्स क्रिएट करना, उनको आपस में रिलेट करना और क्यूरीज, और इसके अलावा फिर कुछ और वीडियोस हैं जिनमें फॉर्म, सब फॉर्म्स, स्क्रैच से रेस्टोरेंट का डेटाबेस बनाना, जो कम्बो बॉक्सेस हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट, इस तरह की चीज़ें मुख्तलिफ वीडियोस में कवर की हुई हैं, आप उन्हें भी रेफर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ क्यूरी फंक्शन को ज़रा डिटेल में देखेंगे। ये एक एग्जांपल डेटाबेस मेरे पास मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। डेटाबेस टूल्स में जाते हैं, रिलेशनशिप्स, आप देख सकते हैं सिर्फ दो टेबल हैं, एक मेन्यू आइटम्स का जिसमें आइटम्स की डिटेल है, यूनिट प्राइस और कैटेगरी, और दूसरा बिल फॉर्म के नाम से है जिसमें क्वांटिटी है, बिल डेट है और ऑर्डर आईडी है और आइटम आईडी। आइटम आईडी के थ्रू ये दोनों टेबल आपस में रिलेटेड है। क्विकली इनका आपको कुछ जो सैंपल डाटा एंटर हुआ हुआ इनमें वो भी दिखा देता हूँ। मेन्यू आइटम में ये देख सकते हैं हम, ये एक किस्म का मेन्यू है, ये आइटम्स है, उनकी यूनिट प्राइस है और उनकी कैटेगरी है। बिल फॉर्म जहाँ पे जो जो आइटम्स एक किस्म के सेल हुए एक सर्टेन डेट पे, उनकी कितनी क्वांटिटी और इस तरह की चीज़ें इस टेबल में। अब हम क्यूरीज क्रिएट करेंगे और जो डेटा हमने सैंपल एंटर किया हुआ है उसको क्यूरी के थ्रू एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। क्यूरी क्रिएट करना बड़ा सिंपल है। क्रिएट पे जाएं, हम विजिट के थ्रू भी कर सकते हैं लेकिन हम क्यूरी डिज़ाइन के थ्रू करेंगे, वो भी बड़ा सिंपल है। दो टेबल है हमारे पास, दोनों को लोड कर लेते हैं, जिसमें से जो चीज़ हमें चाहिए होगी उसको, उस आइटम को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं, ये कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट होगी, रन करते हैं, ये रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे पास। रिजल्ट्स में हम देख सकते हैं कि ये ब्रेड, करी, ड्रिंक्स, ये रिपीट हो रहे हैं। रिपीट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एक आइटम, मल्टीपल आइटम्स एक ही कैटेगरी से एसोसिएट हो सकते हैं। मतलब ड्रिंक्स हैं तो ड्रिंक्स में हमारे पास कोल्ड ड्रिंक भी हो सकता है, सादा पानी भी हो सकता है। तो जो कैटेगरी की रोज हैं वो एक से ज़्यादा हैं टेबल में, तो वो रिपीट हो रही हैं। अब हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ यूनिक कैटेगरीज का पता चले, ये रिजल्ट रिपीट ना हो, तो वो बड़ा सिंपल है। इधर क्लिक करें, प्रॉपर्टी शीट पे जाएं, यूनिक वैल्यूज ये नो है, इसको यस कर दें। अब क्यूरी रन करते हैं, देखिए सिर्फ तीन कैटेगरीज आ रही हैं हमारे पास। दोबारा जाते हैं डिज़ाइन व्यू पे, कुछ और ट्राई करते हैं। इसको कोई भी कॉलम जो हमने क्यूरी में सेलेक्ट किया है और उसे अब हम डिलीट करना चाह रहे हैं, उसे सिंपली सेलेक्ट करें इस तरह ऊपर से क्लिक करके और डिलीट प्रेस कर दें, वो डिलीट हो जाएगा। इसे हाइड कर लेते हैं, आइटम नेम सेलेक्ट कर लेते हैं मेन्यू आइटम में से, और यहाँ पर अब हम चाह रहे हैं कि कैलकुलेटेड कॉलम आए, तो वो हम किस तरह करेंगे? बड़ा सिंपल है, इधर राइट क्लिक करें और बिल्ड पे क्लिक करें। बिल्ड पे क्लिक करने के बाद अब ये देखें, ये हमारे पास एक्सप्रेशन एलिमेंट्स आ रहे हैं। एलिमेंट्स अब हमने अपने डेटाबेस में से लेने हैं। मेरा जो डेटाबेस है उसका नाम रेस्टोरेंट है, तो वो नाम अपीयर हो रहा है यहाँ पे। इसके टेबल्स कौन कौन से? इसमें दो टेबल्स हैं, बिल फॉर्म, बिल फॉर्म में से मुझे क्वांटिटी चाहिए। ये देखें, ये जब मैंने डबल क्लिक किया ये टॉप पे आ गई। स्टेरिक एंटर करें, स्टेरिक मीन मल्टीप्लिकेशन, क्वांटिटी को मैंने प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। प्राइस कहाँ पे है? मेन्यू आइटम में यूनिट प्राइस है, यूनिट प्राइस आ गई। ओके करते हैं, ये देखें ये यहाँ पे एक्सप्रेशन आ गया, ये EXPR1 लिखा आ रहा है। इसको अगर हम किसी
नाम से, मतलब इस कॉलम का जो हम नाम रखना चाहते हैं, जो हमारे रिजल्ट में इस कॉलम का नाम आए, वो EXPR1 की बजाय अगर जो भी हम रखना चाहते हैं वो हम रखते हैं, तो वो हम रख लेते हैं टोटल प्राइस। टोटल प्राइस आ गई हमारी। अब हमने इसका हमें सम चाहिए, तो सम किस तरह, वो हम एग्रीगेट फंक्शन के थ्रू करेंगे। वो बड़ा सिंपल है, ये देखें, ये पैरामीटर के साथ ये टोटल लिखा आ रहा है, बटन टोटल का बटन है, इसको क्लिक करते हैं। डिफॉल्ट में ये दोनों कॉलम्स ग्रुप बाय में आ गए हैं। पहला कॉलम तो हमें ग्रुप बाय में ही चाहिए कि हमें आइटम वाइज उनकी जितनी भी यूनिट सेल हुए हैं या क्वांटिटी सेल हुई हैं, उनको हम उनके यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करके उनका हम सम देखना चाहते हैं। तो इसका हमें ग्रुप बाई नहीं, इसका हमें सम चाहिए। तो ये ड्रॉप डाउन में से हम सम सेलेक्ट कर लेंगे, रन करते हैं। ये देखिए, ये सम आ गया हमारे पास कि जो चने का आइटम है वो अब तक हमने 100 रुपीज़ का बेचा है। मतलब जितने भी हमने यूनिट बेचे हैं उनको उनकी यूनिट प्राइस से हमने मल्टीप्लाई किया और फिर उसका हमने सम ले लिया। तो इस तरह से ये हमने, अब डिजाइन व्यू पे हम जाते हैं। अब फर्ज किया, अब इसमें हमने कोई क्राइटेरिया ऐड करना है। क्राइटेरिया से पहले एक और चीज देख लेते हैं। अभी देखें, डिफॉल्ट में हमारे जो रिजल्ट्स हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, तो हम इसका ऑर्डर अगर हम चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये देखें, ये स्टार्टिंग का आ रहा है, असेंडिंग डिफॉल्ट होता है, हमने इसे डिसेंडिंग करना है। फर्ज करते हैं इधर और भी कॉलम ग्रुप बाय में आ रहे होते, तो हम उनका जिस जिस ऑर्डर में हमने ये कॉलम इस सेक्शन में हमने अपडेट किए होंगे, मतलब सबसे पहले आइटम नेम आ रहा है, फिर अगर कैटेगरी आ रही है तो इसकी हमने डिसेंडिंग की है, उसकी हमने असेंडिंग कर दी है, उसकी भी डिसेंडिंग की है, तो हमारी सॉर्टिंग सबसे बाय लेवल सॉर्टिंग होगी। सबसे पहले बाय आइटम होगी डिसेंडिंग, फिर उसके बाद अगर हमने यहाँ पे कैटेगरी ऐड की होती तो फिर बाय कैटेगरी डिसेंडिंग होगी। अभी हमने सिर्फ एक ही हमारा आइटम है ग्रुप बाय में, आइटम नेम, उसको हमने बाय स्टार्टिंग डिसेंडिंग से कर दिए। तो चेक करते हैं, ये देखें, पहले असेंडिंग में थी, अब डिसेंडिंग में होगी। डिजाइन व्यू पे जाते हैं, अब हम कोई क्राइटेरिया ऐड करेंगे, या वेयर क्लॉज जिसे हम कहते हैं सीक्वल में। बिल फॉर्म टेबल में हमारे पास बिल डेट है, बिल डेट ऐड कर लेते हैं। ये हमें ग्रुप बाय में नहीं चाहिए, हमें वेयर में चाहिए। वेयर में किया तो उसने ये रिजल्ट में से इसे अनचेक कर दिया कि हमें ये रिजल्ट में शो नहीं हमने करवानी। अब हमने फर्ज करें कि ग्रेटर देन सर्टेन डेट हमें ये डेटा चाहिए, वो हम डेट ऐड कर देते हैं। करने के बाद टैब प्रेस करें, टैब प्रेस करेंगे तो वो इसको खुद ही इसके प्रॉपर फॉर्मेट में ऐड कर देगा। देखिए, उसने ये साइडों पे पॉइंट साइन ऐड कर दिया है। अब हम रिजल्ट को एंटर करते, तो अब जो भी हमने डेट का क्राइटेरिया ऐड किया है उसके मुताबिक हमारे रिजल्ट्स फिल्टर हो गए। अब हमने डेट यहाँ पे हार्ड कोड नहीं करनी इस क्यूरी में, हम चाहते हैं कि ये एज ए पैरामीटर आए कि जब हम ये क्यूरी रन करें तो वो हमसे ये डेट पूछे, तो वो भी बड़ा सिंपल है। हम इधर ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये जो बड़ी ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट के अंदर हम कुछ जो इसका लेबल है वो भी ऐड कर सकते हैं, मतलब जैसे स्टार्ट डेट हम लिख देते हैं। अब हम इसे रन करते हैं, ठीक है, रन किया तो ये स्टार्ट डेट जो हमने इसका पैरामीटर का नाम दिया था वो भी आ रहा है। अब हमें इधर डेट ऐड, जैसे ही हम ये क्यूरी अब रन करेगा कोई भी हमारा यूजर, तो ये हमें वो से स्टार्ट डेट पूछेगा। अब फर्ज किया कि अब ये जिस तरह ये एक सैम्पल रेस्टोरेंट का डेटाबेस है, तो अब हमें सेल्स पीरियडिकली चाहिए, मतलब जो यूजर है उसकी मर्जी है, वो चाहे 1 माह की देखना चाह रहा है, 2 माह की, तो वो उसे स्टार्ट डेट के साथ साथ हमें एंड डेट भी चाहिए होगी, तो वो भी बड़ा सिंपल है। इसके आगे एंड लिखें और लेस देन इक्वल टू, और वही बड़ी ब्रैकेट, और उसमें हम लिख देंगे एंड डेट। अब रन करके देखते हैं, स्टार्ट डेट आ गई, स्टार्ट डेट हम दे देते हैं।
ओके किया, अब वो हमें एंड डेट का भी पूछ रहा है, एंड डेट भी हम दे देते हैं। जो एंड डेट है वो हमने सही फॉर्मेट में ऐड नहीं की तो उसने हमें एरर दिया है, अभी दोबारा डालते हैं। टू स्लैश वन स्लैश 2021, तो जो हमारी सीक्वल है वो सॉरी जो क्यूरी है हमारी रन होगी। अब हम व्यूज में जाते हैं तो देखें, एक हमारा डाटा शीट व्यू है जहाँ पे हमारे रिजल्ट आ रहे हैं, एक डिजाइन व्यू है जहाँ पे हम चेंजेस करते हैं, और एक हमारा व्यू है सीक्वल व्यू। सीक्वल व्यू है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, जो जो बैकएंड पे है वो ये लैंग्वेज एग्जीक्यूट करती है और ये रिजल्ट पुल करके लाती है। तो ये भी बड़ी सॉरी यूजर फ्रेंडली है, इसका सिंटेक्स बड़ा इजी है। मतलब हम देखते हैं सिलेक्ट, उसके बाद डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट है जो हमने यूनिक का ऑप्शन सिलेक्ट किया था कि हमारे रिजल्ट यूनिक आने चाहिए, ये उसके लिए है। उसके बाद ये टेबल है और उसका डॉट आइटम नेम, फिर कॉमा। मतलब कॉमा लगा के हम कोई भी कॉलम अगर सिलेक्ट करते हैं तो वो एज ए कॉलम रिजल्ट्स में ऐड हो जाएगा। फ्रॉम में टेबल आ रहे हैं और जो ज्वाइन हमने लगाया हुआ है, दो टेबल है तो वो आपस में ज्वाइन हुए हैं। वेयर क्लॉज आ गई है, ग्रुप बाई है, और ये ऑर्डर बाई आ गया। अब इसका एक यूज केस ये भी, अगर हमें इसकी समझ नहीं भी है सीक्वल की तो इसको कॉपी करें, हम एक नई क्यूरी क्रिएट कर लेते हैं। इसके हम जाते हैं सीक्वल व्यू में और इधर पेस्ट कर देते हैं इसको, पेस्ट करके इसके जाते हैं डिजाइन व्यू में। तो देखिए ये सारे ऑप्शंस ऑलरेडी सिलेक्ट हुए हुए हैं। अब ये क्यूरी, एक किस्म की क्यूरी की हमने कॉपी बना ली। अब हमने इसमें कुछ चीजें, कोई कॉलम नया ऐड करना है, कुछ रिमूव करना है, ये रिमूव करना है, कुछ नया क्राइटेरिया ऐड करना है, तो वो हम इजीली कर सकते हैं। इसको इस क्यूरी को अलहदा सेव कर ले, इसको अलहदा सेव कर ले, हमें वो सारे स्टेप्स दोबारा रिपीट नहीं करने पड़ेंगे। अब ये देखें, ये क्यूरी हमारी दो टेबल से बनी हुई है। इसको इस तरह करते हैं, इस पे अगर हम राइट क्लिक करें तो ज्वाइन प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ज्वाइन प्रॉपर्टीज का मतलब है कि हमारा टेबल ज्वाइन किस तरह से हुआ हुआ है। इसको बेहतर से अंडरस्टैंड करने के लिए ये जो रिजल्ट्स हैं इन्हें मैं डिलीट कर देता हूँ। सारे कॉलम मैंने डिलीट कर दिए। हमारे पास कैटेगरीज है और कैटेगरीज मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और रन करता हूँ। सीक्वल में जाते हैं इसकी, ब्रेड तीन कैटेगरीज हमारी आ रही हैं। सीक्वल में हम देखते हैं डिस्टिंक्ट कैटेगरी सिलेक्ट हुई हुई है। मेन्यू आइटम से इनर ज्वाइन लगा हुआ है, बिल फॉर्म पे आइटम आईडी दोनों में कॉमन है, उसकी बेस पे डिजाइन व्यू में दोबारा जाते हैं। ग्रुप बाई की जरूरत नहीं है, अब एग्रीगेट तो हमें चाहिए नहीं था, रिजल्ट सेम रहेंगे क्योंकि कोई भी हम सम वगैरह तो कर नहीं रहे थे। ग्रुप बाई वाली कंडीशन यहाँ पे खत्म होगी क्योंकि मैंने एग्रीगेट को अनचेक कर दिया है। दोबारा डिजाइन व्यू पे जाते हैं। जो कॉन्सेप्ट मैं सिखाना समझाना चाह रहा था सॉरी, वो ये था कि ये देखिए वन टू मैनी रिलेशनशिप है कि मेन्यू आइटम्स की आईडी बिल फॉर्म में इसके थ्रू ज्वाइन हुआ, ये यहाँ पे प्राइमरी की है और यहाँ पे ये फॉरेन की है। बिल फॉर्म में आइटम आईडी एक से मल्टीपल टाइम्स आ सकती है, रिपीट हो सकती है, तो इसलिए ये वन टू मैनी रिलेशनशिप है। ये तो रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट हो गया। इसको राइट क्लिक करते हैं और ज्वाइन प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। देखिए पहला ऑप्शन सेलेक्ट हुआ है, ओनली इंक्लूड रोज वेयर द ज्वाइंट फील्ड्स फ्रॉम बोथ द टेबल्स आर इक्वल। दूसरा ऑप्शन है इंक्लूड ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम मेन्यू आइटम्स एंड ओनली दोज रिकॉर्ड्स फ्रॉम बिल फॉर्म वेयर द ज्वाइंट फील्ड्स आर इक्वल। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि जी आप जो सा मेन्यू आइटम में से सारे रिकॉर्ड्स पुल कर लें और जो दूसरा टेबल है बिल फॉर्म उसमें से वो करें जहाँ पे ज्वाइंट फील्ड उसे मिल जाती है। इसको सेलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं और रन करते हैं। अब देखिए तीन की बजाय चार कैटेगरीज आ रही हैं। उसकी वजह क्या है कि राइस जो कैटेगरी है उसकी बिल फॉर्म में कोई एंट्री नहीं थी अवेलेबल,
तो वो चूंकि इनर ज्वाइन लगा हुआ था, इनर ज्वाइन का